इस वीडियो में हम लोग दृष्टि मैगजीन के इन्वायरमेंट करेंट अफेयर्स करेंगे इससे पहले हम लोग उस मैगजीन से नेशनल इंटरनेशनल एंड यूपी करेंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं सो so इसमें पहला है रिपोर्ट ऑन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कौन पब्लिश करता है इसे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम नाउ इसके फाइंडिंग्स और हाईलाइट्स अप्रोक्सीमेटली फिफ्टी मिलियन पीपल दे वर डिस्प्लेस्ड इन देयर ओन कंट्री सो दे वर डिस्प्लेसड बाई द एंड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन Due to various reasons like conflict, violence, or climate change. And 216 million people they moved within their own country due to the climate change by by the end of 2021. So 59.1 uh, million people they were displaced in their own country and 216 million people they moved within their country. Now 130 countries.

By United Nations FAO and ये कब रिलीज हुआ है रिपोर्ट on the, this world soil Day. कब सेलिब्रेट होता है hai 5th of december so, यहाँ से se दो डेटा पता चलता है पहले तो ये जो रिपोर्ट है hai global status of black Soils. कौन रिलीज करता है hai united Nation की बॉडी body fao food and agriculture organization और दूसरा ये वर्ल्ड सॉइल डे के दिन लॉन्च करा गया है मीन्स इसे रिलीज करा गया है तो वर्ल्ड सॉइल डे कब सेलिब्रेट होता है मीन्स कब हम लोग इसे रिकगनाइज करते हैं फिफ्थ ऑफ दिसम्बर हाइलाइट्स क्या हैं इस रिपोर्ट की और मतलब क्या स्टेटस बता रहा है हमें ब्लैक सॉइल्स के बारे में पहले तो ये बताया इसने कि जो ब्लैक सॉइल्स हैं दे आर एट द ग्रेटर रिस्क देन एवर ड्यू टू दिस क्लाइमेट क्राइसिस बायोडावर्सिटी लॉस एंड लैंड यूज चेंज देन नेक्स्ट जो ब्लैक सॉइल है और जो ब्लैक सॉइल्स है दे हैव द पोटेंशियल

टोटल एरिया मीन्स टू पॉइंट एट सिक्स परसेंट कवर करती है ब्लैक सॉइल से एंड अब ये ब्लैक सॉइल में कल्टिवेशन मीन्स टोटल सॉइल्स का ब्लैक सॉइल का टू पॉइंट एट सिक्स परसेंट एरिया है और वही हम लोग क्रॉप लैंड की बात करें कि कल्टिवेशन कितने एरिया में होता है ब्लैक सॉइल्स में सेवेंटीन पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट सो यू कैन रिमेंबर लाइक अप्रॉक्सीमेटली थ्री परसेंट इट सपोर्ट्स थ्री परसेंट ऑफ़ ग्लोबल पॉपुलेशन और सेवेंटीन परसेंट ऑफ क्रॉप लैंड और एग्रीकल्चर द नेक्स्ट रिपोर्ट इज द स्टेट ऑफ फिन फॉर नेचर रिपोर्ट नाव ये पब्लिश कर कौन पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन दिस यू एन ई पी यूनाइट नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एंड दिस इकॉनमिक फोरम एंड द इकोमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन ये इसका सेकेंड एडिशन है अब यहाँ से हमें यू मतलब हमें पता होना चाहिए कि कौन पब्लिश करता है यू एन ई पी सो यू एन ई पी के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं सबसे पहले ये इस्टैब्लिश हुआ था 1972 में 5th ऑफ जून 1972 और हम लोग 5th जून को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हेड क्वार्टर कहां है इसका नैरोबी केन्या नाउ देर आर वेरियस रिपोर्ट्स विच आर पब्लिश्ड बाय दिस UNEP फॉर एग्जांपल एमिशन गैप रिपोर्ट अडैप्टेशन गैप रिपोर्ट एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक नाउ दिस सैम इनिस इनिशियेटिव लाइक सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम सो सैम बोल सकते हैं और वॉट एवर इन मतलब शॉर्ट में आप इसे ऐसे बोल सकते हैं इसका जो फुल फॉर्म है वो है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम एम क्या है टू कंजर्व द मैंग्रोव अब ये जो प्रोजेक्ट है ये वेस्ट बंगाल में है इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड पायलट प्रोजेक्ट इन वेस्ट बेंगाल वेयर द फार्मर्स आर प्लांटिंग द मैंग्रोव ट्रीज अराउंड द श्रेम पॉन्ट्स दे आर रीबिल्डिंग मैंग्रोव्स एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये इंडिया बांग्लादेश में इम्प्लीमेंट हुआ है इन कोलाबोरेशन विद दिस ग्लोबल नेचर फंड एंड बांग्लादेश इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट सोसाइटी सो ये वेस्ट बंगाल का पायलट प्रोजेक्ट है इसे इंडिया बांग्लादेश में भी इम्प्लीमेंट किया गया है टू कंजर्व द मैग्रोव दे आर एग्जैक्टली डूइंग दे आर प्लांटिंग दीज मैंग्रोव ट्रीज अराउंड द्रिम पॉन्ट्स ना नेक्स्ट है ये कोप फिफ्टीन ये कहाँ पे हुआ था ये कनमिंग इन चाइना यहाँ से हमें एक कैन से हमें एक फ्रेमवर्क मिलता है कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडावर्सिटी फ्रेमवर्क दिस फ्रेमवर्क वॉज एडॉप्टेड अब इसका टारगेट क्या है ग्लोबल बायोडावर्सिटी फ्रेमवर्क का इसमें टोटल फोर गोल्स एंड ट्वेंटी थ्री टारगेट्स बताए गए हैं विच आर टू बी अचीव बाई ट्वेंटी थर्टी सो वो गोल्स हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले थर्टी थर्टी डील इसमें जो भी रिकमेंडेशन दी गई हैं या फिर जो भी टारगेट्स बताए गए हैं सारे के सारे ट्वेंटी थर्टी तक अचीव करना है हमें सो so, पहला इसमें रिस्टोर थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाय ट्वेंटी थर्टी तो जितना भी डिग्रेडेड इकोसिस्टम है उसका तीस हमें रिस्टोर करना है देन कंजर्व एंड मैनेज थर्टी ऑफ एरियाज बाई ट्वेंटी रिड्यूस द रिस्क फ्राम पेस्टिसाइड्स बाई एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट बाई ट्वेंटी थर्टी एंड रिड्यूज द ग्लोबल फुटप्रिंट ऑफ कंजम्पन बाई ट्वेंटी थर्टी एंड ये ट्रेड से रिलेटेड है सेफ लीगल सस्टेनेबल ट्रेड शुड बी देयर ऑफ द वाइल्ड स्पीशीज़ बाई ट्वेंटी थर्टी नेक्स्ट है इसमें कोप ट्वेंटी सेवन जो भी रिसेंटली हुआ था श्रम अल शेख इजिप्ट में एंड इससे पहले कोप ट्वेंटी सिक्स ग्लासगाटेड किंगडम एंड अभी जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगा वो होगा यू में नाओ इसकोप ट्वेंटी सेवन में काफ़ी चीज़ें अडॉप्ट करी गई सो सोलेट सी टेम पहला है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट नाउ ये एक ग्लोबल अलायंस है अवाइट मैंग्रोव अलायंस बिकॉज ये अलायंस क्या करेगा इट विल स्प्रेड अवेयरनेस रिगार्डिंग द रोल ऑफ मैंग्रोव्स इन कर्बिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड इट विल रेज अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ mangroves in tackling this climate change. The next is this AWARE which stands for Action on Water Adaptation and Resilience and this AWARE means through this we will be addressing the various water related challenges. The next is this IRAF Infrastructure Resilience Accelerator Fund it's by CDRI and kya it will मीन्स इट एम्स टू प्रमोट द रिजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू क्लाइमेट रिस्क एज वेल एज डिजास्टर रिस्क एंड नेक्स्ट इज दिस ग्लोबल शील्ड प्लान ये एक फंडिंग मेकेजम है एंड दिस विल प्रोवाइड फंडिंग टू कंट्रीज हुआ सफरिंग फ्राम दिस क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट डिजास्टर्स सो इसमें यह फंडिंग मेकैनिज़म है और बाकी ये तीन हमने मीन स्कीम्स देख ली हैं इसमें मैग्रोव अलायंस टू कंजर्व द मैंग्रोव एंड देन अड्रेस द वॉटर रिलेटेड चैलेंजेज एंड दिस To make infrastructure climate resilient now this unfccc it is one of the three rio conventions like uh, cbd convention of the biodiversity unfccc and unccd which is related to desertification this unfccc came into force in 1994 and it deals with this mean um, stabilizing uh, greenhouse gas emissions and this may 198 members are there सो ये थोड़ा सा बस फैक्ट था यू एन एफ ट्रिपल सी के बारे में नाउ द नेक्स्ट इज दिस साइट्स ये इसका नाइनटीन्थ कॉन्फ्रेंस हुआ था एंड ये हुआ था पनामा में ये जो साइट्स है साइट्स कन्वेंशन है इसे हम लोग वॉशिंगटन कन्वेंशन भी बोलते हैं इट एम क्या है इसका टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्यूचर जूनोटिक इफ वी सी द सो पहले तो इ ट्रेड इट वॉज बैंड इन दिस नाइनटीन एटी नाइन वेन ऑल एफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन दे वर पुट इन साइट अपेंडिक्स वन सो जब जितने भी अफ्रीकन एलिफेंट पॉपुलेशन हैं उनको अपेंडिक्स वन में लिस्ट करा गया था तो उस टाइम पर आइवरी ट्रेड को बैन कर दिया गया था नाइनटीन एटी नाइन में एंड अभी ये बात चल रही है कि इस ट्रेड को इंटरनेशनल ट्रेड को फिर से रीओपन करना चाहिए कि नहीं सो इंडिया वोटेड अगेंस्ट अ प्रपोजल और अगेंस्ट दिस प्रपोजल ऑफ रीओपनिंग दिस इंटरनेशनल ट्रेड इन आइवरी सेकेंड हाई लाइट है इसमें कि इंडिया के जो दो टोटल स्पीशीज हैं द टू इंडियन टर्टल स्पीशीज एक है दिस बतागू टर्टल विच ऑल्सो नोन एज द रेड क्राउंड रूफ टर्टल एंड लेट्स सॉफ्ट शेल टर्टल इनको साइट्स के अपेंडिक्स वन में लिस्ट कर दिया गया है इनका प्रोटेक्शन इंक्रीज कर दिया गया है द नेक्स्ट इज दिस इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट ट्वेंटी ट्वेंटी बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसिस एंड इसमें हाईलाइट क्या है कि जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है उसमें फोर्टीन परसेंट फोर्टीन अप्रोक्सीमेटली फोर्टीन परसेंट का ग्रोथ हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन और जो बायो इकोनॉमी शेयर है इंडिया का जीडीपी का वो कितना है टू पॉइंट सिक्स परसेंट एंड देर आर इन टोटल थ्री बायोटेक स्टार्टअप्स विच वर मीनस अप्रोक्सीमेटली थ्री बायोटिक स्टार्टअप्स वर इंकॉर्पोरेटेड एवरी डे इन 2021 ट्वेंटी वन सो दो हज़ार इक्कीस में हर दिन तीन बायोटेक स्टार्टअप्स को इंकॉर्पोरेट किया गया था अब इंडिया की बात करें इस मींस uh, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सो साउथ एशिया में ये टॉप थ्री में है और वर्ल्ड में टॉप ट्वेल्व डेस्टिनेशन में है फॉर बायोटेक एंड इफ वी सी हियर दिस बायो फार्मा सेक्टर इट अकाउंट्स फॉर मीन्स लार्जेस्ट शेयर ऑफ दिस बायो इकोनॉमी सो जो भी बायो इकोनॉमी इसमें बायो फार्मा सेक्टर का लार्जेस्ट शेयर uh, है एंड ये जो वर्ल्ड में शेयर है इंडिया का वो कितना है थ्री परसेंट इन दिस ग्लोबल बायोटेक इंडस्ट्री तो ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ये जो बायो जो मीन्स बायो इकोनॉमी शेयर है ये टू थाउजेंड ट्वेंटी वन में एटी बिलियन का है एटी बिलियन डॉलर्स और हम लोग इसको एम कर रहे हैं कि ट्वेंटी थर्टी तक इसे थ्री हंड्रेड बिलियन डॉलर्स तक पहुँचाया जा सके नाओ द नेक्स्ट इज दिस रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड इसका कोप फोटीन समिट हुआ था वी कैन से कॉन्फ्रेंस हुआ था कोप फोर्टीन एंड ये होस्ट करा था दो कंट्रीज ने मिलके एक है चाइना द अदर वन इज दिस स्विट्जरलैंड सो जब ये चाइना में हुआ तो वहाँ से हमें वुहान डेक्लोरेशन मिलेगा अब इसका थीम क्या था वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर नाउ द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया सो ये एशिया का है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया कौन पब्लिश करता है एक तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दूसरा है यूनाइटेड नेशन बॉडी फॉर दिस एशिया एंड पैसिफिक दैट इज इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक सो ये एशिया का है तो ये दो बॉडी uh, ने मिलके इसे इस मीन से, uh, से पब्लिश करा है अब एशिया के बारे में है तो एशिया के डेटा देखते हैं डेट एशियन कंट्रीज एशियन कंट्रीज इनकर्ड फाइनेंशियल लॉस ऑफ हाउ मच थर्टी फाइव पॉइंट सिक्स बिलियन डॉलर्स इन टी ट्वेंटी वन जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स विच वी कैन सी एज एन इम्पैक्ट ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज एंड इंडिया को भी लॉस हुआ है थ्री पॉइंट टू बिलियन डॉलर का फ्रॉम फ्लडिंग द नेक्स्ट इज दिस सी सी पी आई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का रिपोर्ट है और ये पब्लिश करता है जर्मन वॉच ये रिलीज हुआ था कोप ट्वेंटी सेवन में जो श्यामल शेख इजिप्ट में हुआ था उसमें इसको रिलीज करा गया है इंडिया की रैंक जो लास्ट टाइम थी इट वॉज टेंथ दिस टाइम इट्स एट्थ नाव दिस सी सी पी आई इंडेक्स इट लुक्स एट फोर कैटेगरीज एंड बेस्ड ऑन दोज फोर कैटेगरीज एंड फोर्टीन इंडिकेटर्स इट प्रोड्यूस दिस इंडेक्स सो फोर कैटेगरीज कौन सी हैं ग्रीन हाउस गैस एमिशन रिन्यबल एनर्जी एनर्जी यूज एंड क्लाइमेट पॉलिसी नाव इसमें जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड रैंक है लास्ट टाइम भी किसी कंट्री को नहीं मिली थी इस बार भी किसी को नहीं मिली है फोर्थ रैंक इज डेनमार्क एंड इंडिया की रैंक इज एट मैंने यहाँ पर फाइव सिक्स सेवन इस पर लिखा है क्योंकि इंडिया की रैंक एट्थ है आपको इसमें फोर्थ मतलब say first but fourth rank Denmark. Now India by this. In, uh, India is in this top five countries in the world, and also it's best among the G20 countries in this climate change performance. Now the next is this Breakthrough Agenda Report 2022, which is published by International Energy Agency, International Renewable Energy Agency, and United Nations Climate Change High Level Champions. नाउ ये जो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट है इट्स अ फर्स्ट ऑफ काइंड रिपोर्ट रिक्वेस्टेड बाई वर्ल्ड लीडर्स एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इन द कोप ट्वेंटी जब कोप ट्वेंटी हुआ था तो वहाँ पर वर्ल्ड लीडर्स ने इस रिपोर्ट की डिमांड करी थी इसका फोकस किस में है फोकस ऑन इंटरनेशनल कोलाबोरेशन टू ड्राइव फास्टर रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन नेक्स्ट है इसमें द स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट ट्वेंटी ट्वेंटी रिलीज बाई वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने एशिया क्लाइमेट ट्वेंटी वन रिपोर्ट देखा था जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज यूनाइटेड नेशन एस्केप रिलीज ने उन्होंने रिलीज़ करा था नाउ ये जो ग्लोबल वाला इससे सिर्फ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है एंड दिस रिपोर्ट कन्फर्म्स डेट द पास्ट सेवन ईयर्स हैव बीन द दॉमेस सेवन ईयर्स ऑन रिकॉर्ड नाउ सम फैक्ट्स अबाउट दिस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कितने मेबर्स हैं वन नाइन्टी थ्री मेम्बर्स आर देयर हेड क्वार्टर इज इन जिनेवा स्विट्जरलैंड एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फोर की क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स आर ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन सी लेवल राइज ओशन हीट ओशन एसिडिफिकेशन मीन ये क्लाइमेट चेंज इंडिकेटर्स हैं ग्रीन हाउस गैस कंसनट्रेशन राइज हो मतलब कंसनट्रेशन हमें इंडिकेट करते हैं दैट क्लाइमेट चेंज हो रहा है सी लेवल राइज ओशन हीट ओशन एसिडिफिकेशन ये सारे इंडिकेटर्स हैं विच इंडिकेट और टेलर दैट क्लाइमेट इज चेंजिंग

and between this 1990 and 2020 approximately 420 million hectares of forests have been means destroyed or lost just because of deforestation now this next report is world air quality report and 2021. this report is published by swiss organization iq air and this report pm 2.5 के डेटा पी एम टू पॉइंट फ़ाइव के कंसनट्रेशन और इस आ, इसके कंसनट्रेशन पे इसके डेटा पे रैंकिंग प्रोवाइड करता है कंट्रीज़ को सो इट्स बेस्ड ऑन दिस पी एम टू पॉइंट फाइव डेटा एक हंड्रेड एंड सैवनटीन कंट्रीज़ नाउ इस रिपोर्ट में इंडिया से थर्टी फाइव सिटीज़ को लिस्ट करा गया है जिसमें से अगर हम लोग सिटी वाइज रैंकिंग देखें पूरे वर्ल्ड में और पूरे इस हंड्रेड एंड सेवनटीन कंट्रीज़ में सो so पहला है भिवाडी ऑफ दिस राजस्थान एंड सेकेंड इज़ गाज़ियाबाद यूपी सो इंडिया से दो सिटीज़ हैं जो इस रिपोर्ट uh, में लिस्ट करी गई हैं सिटीज़ बेस्ड रैंकिंग पे अगर हम लोग देखें थर्ड इज़ होतन ऑफ चाइना कंट्री वाइज फर्स्ट इस रैंकिंग में है बांग्लादेश सेकेंड इज़ दिस शड एंड थर्ड इज़ दिस पाकिस्तान सो आपको बस फर्स्ट मेजरली फर्स्ट पता होना चाहिए मेनली देन वी इवी सी कैपिटल सिटी वाइज कैपिटल सिटी तो उसमें न्यू डेली सबसे आगे है एंड देन इज़ ढाका वो बांग्लादेश

offers solutions to three environmental issues Kaun -kaun Ek hai noise pollution or urban noise pollution, wildfires and the third is this phenological shifts Now wo, hota kya hai? this phenological shift or this, basically it occurs when species shift the timing of life cycle stages in response to change their change of this environmental conditions due to the climate change. So climate change wajah se... जो भी मतलब चेंजेस हो रही हैं तो स्पेशली उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडाप्ट करता है उनके लाइफ साइकिल में चेंजेस होते हैं शिफ्ट होते हैं उसे बोल रहे हैं बेसिकली फिनोलॉजिकल शिफ्ट सो ये जो रिपोर्ट है ये इन्हीं तीन कैटेगरीज में डिवाइडेड भी है नॉइस पोल्यूशन फेनोलॉजिकल शिफ्ट एंड वाइल्ड फायरस अब इस लिस्ट में हमारे इंडिया से फाइव सिटीज़ हैं और मीन्स सॉरी इस लिस्ट में है एज अ नॉइजियस सिटीज़ एकर इन द वर्ल्ड सो ये सारी सिटीज़ हैं आप इन्हें एक बार रीड कर सकते हैं वैसे पूरे वर्ल्ड में सबसे नॉइजी सिटी ढाका एंड देन इज़ मुरादाबाद ऑफ यूपी पी मीन्स हमारे इंडिया से सबसे ज़्यादा नॉइजी सिटी कौन सी है मुरादाबाद एंड वैसे इन टोटल पाँच इंडियन सिटीज़ इस लिस्ट में है एज द नॉइज सिटीज़ नाउ द नेक्स्ट इज़ दिस फोर्थ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन सो ये फोर्थ था और टाइगर कंजर्वेशन पे ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ था किसने करा था गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया एंड जी ग्लोबल टाइगर फोरम ये होस्ट करा था मलेशिया ने किसके साथ मिलकर ग्लोबल टाइगर फोरम के साथ तो ये मलेशिया में होस्ट हुआ था और अब वहाँ से जो भी हमें डिकलरेशन मिल रहा है या फिर जो भी स्टेटमेंट मिल रहा है उसे क्या जहाँ पे होस्ट होता है उसी के नाम पे पड़ता है सो कोआलाम्पूर जॉइंट स्टेटमेंट इट वाज एडोप्टेड फ्रॉम हेयर एंड इंडिया ने मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होस्ट करा था इन ट्वेंटी अब ये ग्लोबल टाइगर फोरम दिस फोरम वॉज फॉर्म्ड इन नाइनटीन नाइन्टी थ्री हमने यू एन का देखा था नाइनटीन नाइनटी फोर में आया था वो सो ग्लोबल टाइगर फोरम नाइनटीन नाइनटी थ्री कहाँ पर है ये लोकेटेड इन न्यू डेली मीन्स इसका सॉरी जो जनरल असेंबली है ग्लोबल टाइगर फोरम का वो है न्यू डेली में और ये एक इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है मींस इट्स नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस यू पी एस सी सी में हमें कन्फ्यूज़ करती है कि कोई भी बॉडी दे देगी एंड बोल देगी पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन है कि नहीं जैसे एफ इज अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन बट दिस जी टी एफ इज नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सो इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इसकी जो मीटिंग होती है फोरम की इट इज़ यूजअली हेल्ड आफ्टर एवरी थ्री ईयर्स नाउ इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो कि इंडिया का इनिशिएटिव है इसका भी फिफ्थ असेंबली हुआ था कहाँ पर न्यू डेली में

सोलर पेमेंट गारंटी फ़ंड में क्या है कि आपको सिर्फ कुछ पोशन के लिए पेमेंट गारंटी करा जाएगा इसमें एंड इसकी वजह से क्या होगा डेट इट विल इनेबल इन्वेस्टर्स इन दो इन जोग्राफीज़ दैट डू नॉट बेसिकली गेट द इन्वेस्टमेंट सो इट विल बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन दोज जोग्राफीज द नेक्स्ट इज सोलर इंश्योरेंस इट विल ईज द कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सोलर डेवलपर्स तो इट विल बूस्ट बेसिकली इट विल इंक्रेज सोलर डेवलपर्स टू Uh, adopt the various solar-based energies, etc. The next is this solar grand challenge, it will focus on innovation and startups. The next is this GM crop, which is genetically modified crop. This crop is basically produced by the artificial modification of the genes in the plants. Now, Abisco regulate GEAC, Genetically Engineered Appraisal Committee. विच कम्स अंडर दिस मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अब रिसेंटली दिस बॉडी जी ई ए सी हैज़ अप्रूव्ड सीड प्रोडक्शन प्रायर टू द कमर्शल रिलीज ऑफ जी एम मस्टर्ड तो अभी तक हमारे यहाँ पर जो जी एम क्रॉप मीन्स अलाउड है वो है बी टी कॉटन जी एम मस्टर्ड को लाने की बात करिए बट उससे पहले सीड प्रोडक्शन को अप्रूवल मिल चुका है नाउ दिस डी एम एच इलेवन इज दिस जी एम मस्टर्ड इसमें दो एलियन जीन्स इंसर्ट करे गए हैं फ्राम अ सॉयल बैक्टीरियम नेक्स्ट इज दिस एमिशन गैप रिपोर्ट हमने जब यू के बारे में पढ़ा था कि ये फिफ्थ जून 1972 को इस्टेब्लिश हुआ है तो उस टाइम पे हमने देखा था कि एमिशन गैप रिपोर्ट पब्लिश करता है एडाप्टशन गैप रिपोर्ट पब्लिश करता है एंड दिस uh, एक और था इन्वायरमेंट आउटलुक ओके सो ये जो एमिशन गैप रिपोर्ट है ये थर्टीन एडिशन है जो यू पब्लिश करता है एंड इट बेसिकली असेस द गैप बिटवीन दिस एंटिसिपेटेड एमीशन इन ट्वेंटी थर्टी बाई अडोप्टिंग वेरियस नेशनली डिटोमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशनस एंड द लेवल कंसिस्टेंट विद वन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस एंड टू डिग्री सेल्सियस टारगेट्स ऑफ द पैरिस एग्रीमेंट मीन्स पैरिस एग्रीमेंट में जो टारगेट है उससे कितना मीन्स uh, एमीशन हमने प्रडिक्ट करा था और कितना हम लोग एन डी सी एडॉप्ट करने के बाद एंटिसिपेट कर रहे हैं उनके बीच में जो गैप है अमीशन का मतलब जितना होना चाहिए और जितना होगा उस बेसिस पर यह अमीशन गैप रिपोर्ट पब्लिश होता है मीन्स उसको पब्लिश किया जाता है द नेक्स्ट इज दिस अब इसमें जो एमिशन गैप रिपोर्ट में जो टॉप एमिटर है सेवन का नाम बताया गया था बट इसमें टॉप एमिटर इज चाइना द नेक्स्ट इज दिस मिशन लाइफ ये है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट जो हमारे पी एम मोदी ने अनाउंस करा था कोप ट्वेंटी सिक्स कॉन्फ्रेंस में जो हुआ था वहाँ यूनाइटेड किंगडम एंड इट वॉज अभी जो लॉन्च करा गया है इसको इट वॉज लॉन्च एट द स्टैचू ऑफ यूनिटी इन गुजरात बाय आर प्राइम मिनिस्टर और इसको रेगुलेट करने के लिए जो नोडल एजेंट लाइफ को डेट्स नीति आयोग नाउ इट बेसिकली इसका एम क्या ऑब्जेक्टिव क्या है टू नज और वी कैन से टू फोर्स इंडिविजुअल नॉट फोर्स वी कैन से मीन्स टू नज इनकरेज द इंडिविजुअल्स और द कम्युनिटीज टू अडॉप्ट लाइफ स्टाइल दैट दैट इज सिंक्रोनस इट विद नेचर दैट इज सस्टेनेबल इट डजेंट हार्म द इन्वायरमेंट और नेचर सो ये आज का लास्ट होगा क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2022 ये जो ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट है ये इसका एथ एडिशन है और ये कौन पब्लिश करता है बाय दी एक्सपर्ट्स फ्रॉम दिस 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दिस जी ट्वेंटी कंट्रीज इसका थीम क्या है जी ट्वेंटी रिस्पॉन्स टू द एनर्जी क्राइसिस अब इस रिपोर्ट में फर्स्ट रैंक यू की है तो ये जो फर्स्ट रैंक क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट की तो है बट बेस्ड ऑन ग्लोबल एमिशन फर्स्ट कौन है यू एस ए बिकॉज दिस यू एस ए अकाउंट्स फॉर ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द ग्लोबल एमिशंस अब इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को लॉस हुआ है कितना इंडिया हैज़ सफर्ड अ लॉस ऑफ फाइव पॉइंट फोर परसेंट ऑफ जी डी पी विच इज़ हाइएस्ट अमंग द जी ट्वेंटी कंट्रीज नाउ ये जो रिपोर्ट है इट बेसिकली हाईलाइट द लिंक बिटवीन क्लाइमेट एंड द एनर्जी क्राइसिस एंड फोर सेक्टर्स में लॉसेस देखे गए हैं एंड दो फोर सेक्टर्स आर सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन सो इसके बाद का कर जो करंट अफेयर्स है इन्वायरमेंट का वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हमने अप्रॉक्सीमेटली हाफ कर लिया है बस एक और वीडियो आएगा इन्वायरमेंट करंट अफेयर्स के लिए सो स्टे ट्यून्ड थैंक यू